हेलो दोस्तों, इस वीडियो में फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या बनता है इसका रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता क्या है देखते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तब टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तब टॉलुइन बनता है। इसी अभिक्रिया को फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूत्र लिखा हूँ, ये बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन, ठीक है। इसी बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे, CH3Cl, इसको बोला जाता है मेथिल क्लोराइड। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलने वाला है और ये जो हाइड्रोजन जो है मेथिल क्लोराइड का Cl5 को ले जाएगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और देखो ये जो हाइड्रोजन जो है Cl को ले गया तो बचा क्या, CH3, और यही वाला समूह जो होता है हाइड्रोजन की जगह पर जाकर जुड़ जाता है। तो ये क्या बनेगा देखिए, ये यहाँ पर जुड़ गया CH3, और इसी को टॉलुइन बोलते हैं। और बाहर निकला कौन, H जो है Cl को लेकर चला जाएगा अर्थात HCl बन जाएगा और ये बन गया टॉलुइन। तो यही है, जब बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब टॉलुइन बनता है। इसी अभिक्रिया को फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है टॉलुइन। अब देखिए फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में बनता क्या है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में होता क्या है देखते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जब एल्किल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तब एल्किल आयोडाइड बनती है। तो इस अभिक्रिया को फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें होता क्या है, जब एल्किल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तब एल्किल आयोडाइड बनती है। तो इसी अभिक्रिया को फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। इसका समीकरण देखिए, एल्किल क्लोराइड का सूत्र है RX, ठीक है। एल्किल क्लोराइड मतलब हेलो एल्केन, है ना। एक्स के जगह में आप लोग Cl ले लेना तो ये हो गया एल्किल क्लोराइड, ठीक है। इसी एल्किल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। सोडियम आयोडाइड का सूत्र होता है NaI, ये किसकी उपस्थिति में होता है, एसीटोन की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड। तो इसमें होता क्या है, ये क्लोरीन के जगह आयोडीन आ जाएगा और आयोडीन के जगह में क्लोरीन चला जाता है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ का बाण ब्रेक होने वाला है तो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जो होता है वे साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लेता है, अर्थात यहाँ के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लेगा तो क्लोरीन में माइनस चार्ज आता है और एल्किल में प्लस चार्ज आता है। ठीक इसी तरीका से सोडियम और आयोडीन के मध्य में जो बाण्ड होता है उसमें से साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आयोडीन ले लेगा तो उसमें प्लस माइनस चार्ज आएगा और सोडियम में प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए R प्लस में है और आयोडीन माइनस में है, वो आपस में जुड़ जाता है तो एल्किल आयोडाइड बन जाता है, और साथ में सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन है, जब एल्किल क्लोराइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तब एल्किल आयोडाइड बनता है। RI एल्किल आयोडाइड है, R की जगह में CH3 समूह ले लेता हूँ और ये Cl प्लस ये सोडियम आयोडाइड यहाँ पर लिख देते हैं एसीटोन, R के स्थान पर हम लोग लिए हैं CH3I प्लस NaCl, ठीक है। ये है मेथिल क्लोराइड और ये है सोडियम आयोडाइड, तब क्या बनता है, मेथिल आयोडाइड और ये है सोडियम क्लोराइड। इसी रिएक्शन को फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।